चुका है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या कहना चाहेंगे अभी आप कैसा? ये आज का हमला नहीं है, ये तो हमला वंचितों पे सदियों से होता है और ये कोई पहला वंचित वर्ग का कोई व्यक्ति नहीं इसकी जान पे बनाई है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए, बहुत सारे लोगों की जान गई, लेकिन आज कानून का राज है। जब मेरे जैसे व्यक्ति के साथ ये हो रहा है तो आम वंचित वर्ग के व्यक्ति के साथ क्या होता है, उत्तर प्रदेश में क्या लॉ एंड ऑर्डर है इसको हमें समझना चाहिए। और अब तक क्या कार्रवाई, ये 24 घंटे ज़्यादा आपके सामने है। मैं तो मौत और जिंदगी के बीच लड़ रहा था, लेकिन अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। ये बिना सत्ता के संरक्षण के नहीं हो सकता है। क्या इंटेलिजेंस है पुलिस की, क्या उनके पास इन्फॉर्मेशन है? सूत्र उनके बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। अब तक क्यों आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए? गाड़ी भी बरामद इसलिए हुई क्योंकि गाँव वालों ने बता दिया कि मीरकपुर में कोई गाड़ी खड़ी करके गया है, अब तक लोग नहीं मिले। ये वंचितों का बेटा है, अगर मर भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, लोग भूल जाएंगे। ये किसी रानी का बेटा नहीं है, तो अगर उसको कुछ होगा, किसी कमिश्नर साहब से जुड़ा हुआ मामला नहीं है कि 4-5 घंटे में कुत्ता बरामद हो जाएगा। मैं मानता हूँ सरकार की घोर लापरवाही है और मुख्यमंत्री का बिल्कुल ना बोलना और बड़े बड़े दावे करना और इस घटना पर ना बोलना स्पष्ट करता है कि मुख्यमंत्री सत्ता को संरक्षण दे रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं और उनके संरक्षण में अपराधी पल रहे हैं। और ये कानून व्यवस्था के लिए, लोगों के कानून के प्रति विश्वास के लिए बड़ा खतरनाक है। अच्छा, हम लोगों ने सीसीटीवी देखा, उसमें दिख रहा है कि पीछे से गाड़ी आके चेस करती है, और क्या कुछ अगर कुछ बता पाएंगे कि आप कहाँ थे, कैसे? देखिए, मैं दिल्ली से लौटा हूँ, मेरे एक साथी की डेथ हुई, मैं थोड़ा सा परेशान था। फिर उस डेथ की सूचना के बाद मुझे आना था देवबंद में, हमारे एक साथी की माता जी की डेथ हो गई थी, उनके रसम पगड़ी का कार्यक्रम था। उनके घर से जैसे मैं निकला, सहारनपुर की तरफ मुश्किल से 50 मीटर चला होगा, एक गाड़ी आती है, मैं फोन पे थोड़ा मेरा ध्यान था, उसने जो